स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का मौका राजनीतिक नूरा कुश्ती में तब्दील हो गया। वजह थी जेपी नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण, जिसको लेकर लखनऊ की सड़कें समाजवादी पार्टी का अखाड़ा बन गई और आंदोलन के पर्यायवाची रहे जेपी की जयंती एक बार फिर से यूपी में राजनीतिक भूचाल ले आई। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जेपी नारायण की जयंती के मौके पर कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी मंगलवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए परिसर में पहुंचे, लेकिन निरीक्षण के एक घंटे के बाद ही एलडीए ने जेपीएनआईसी पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव को 8 फीट ऊंची दीवार कूदकर परिसर के अंदर कूदना पड़ा और लोकनायक जेपी नारायण की मूर्ति पर उसके बाद उन्होंने माल्यार्पण किया। मगर सवाल यह है कि आखिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती इस घटनाक्रम से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, क्योंकि राजनीतिक बिसात में अब सब अपनी अपनी मोहरे चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जंग सियासत की है। तो आज सियासत के पैतरों पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। फीट ऊंचा गेट, गेट के उस पार अखिलेश और अखिलेश के सामने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति, और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद सपाइयों ने भी नहीं की थी। अखिलेश ने बाहें चढ़ाई और फिर कर दी 8 फीट ऊंचे गेट की चढ़ाई। जी, दिन बुधवार था, सियासी पारा आसमान पर था, मौका था लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जयंती का। ऐसे में अखिलेश भी फुल फॉर्म में थे, जमकर बवाल हुआ, सपाई नाराज हुए, मीडिया के कैमरों के बीच अखिलेश ने चुनौती स्वीकार की और गेट को फांद दिया। चलिए अब ये जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है, क्यों ये बवाल हुआ। दरअसल लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जयंती का मौका था, ऐसे में अखिलेश यादव को जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर में माल्यार्पण करना था। एलडीए ने अनुमति नहीं दी, गेट पर ताला जड़ा था, लिहाजा अखिलेश यादव 8 फीट ऊंचा गेट फांद कर अंदर घुस गए और खबरें हैं कि उनके खिलाफ अब FIR भी दर्ज हो सकती है। सरकार छिपाना चाहती थी, ये टीन लगा करके दरवाजों पे गेट पे ताला लगा करके क्या छिपाना चाहती थी सरकार? क्या सरकार क्या ये छिपाना चाहती थी जो करोड़ों रुपए की चीजें बनी थी यहाँ, स्मारक बर्बाद कर दिया, JPNIC बर्बाद कर दिया, रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया, जो समाजवादियों के निशान थे, नेताजी ने जिसकी शुरुआत की थी उस निशान को ये मिटाना चाहते थे, इसलिए टीन शेड ये लगाई है। ये सरकार तो वो है जो दूसरों से वसूल के भरपाई करती है। कम से कम सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खुद फैसला लेना चाहिए कि जो नुकसान यहाँ हुआ है JPNIC में हुआ है या रिवर फंड में, क्या वो अपने वेतन से करेंगे? क्या मुख्यमंत्री अपनी भरपाई जो करेंगे वेतन से करेंगे क्या? बुधवार सुबह उस समय से तनाव था जब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर पहुंच रहे थे। वहां गेट पर एलडीए ने ताला लगा रखा था। सपा नेता दावा कर रहे हैं कि एलडीए को पत्र लिखा गया, इसके बाद भी पार्टी को अनुमति नहीं मिली, इसीलिए ये पूरा बवाल हुआ। इससे नाराज सपा कार्यकर्ता गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया। थोड़ी ही देर के बाद अखिलेश यादव की एंट्री हुई, समाजवादी पार्टी के रथ पर सवार वो जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से उनकी तूतू मैमे हुई, वो गेट को फांद कर परिसर में पहुंच गए, उनके साथ कार्यकर्ता भी अंदर घुसाए। कोई 1 साल 2 साल 3 साल 5 6 साल हो गए, आप 6 साल से निर्माण कर रहे हैं, अब तो ठेकेदार भी तुम्हारी पार्टी में चला गया, अब तो ठेकेदार की खुशामद तुम्हारी पार्टी कर रही है, तो उसके बाद क्या वजह है कि आप नहीं कर पा रहे? क्या ठेकेदार BJP में नहीं चला गया? सर वो टीम से डांग कर आप गए,
मैसेज क्या देंगे जिस तरीके से रोक रहे? देखिए, ये जनता के शक्ति के आगे सरकार की शक्ति का कभी कामयाब नहीं हो सकती लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में जनता को अपने वोट की ताकत जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, अगर संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो हमारी आपकी आजादी कहाँ? अखिलेश ने वहाँ पर ढकी जेपी की प्रतिमा का कपड़ा हटा दिया और फिर उसके बाद गले में माला पहना दी। साथ में मौजूद कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा भी की। लेकिन अब इसके बाद चर्चा है कि बिना अनुमति जबरन परिसर में घुसकर प्रतिमा पर मालार्पण करने के आरोप में अखिलेश यादव पर केस दर्ज हो सकता है। खैर, ये सियासत है और सपा की सियासत जेपी के सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़ी होने का दावा होता है। ऐसे में सपा का ये आक्रोश और अखिलेश का ये अंदाज क्या आने वाले दिनों में यूपी की सियासत को और गर्माने वाला है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से लखनऊ में आज जेपीएनआईसी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एंट्री की है और उसके बाद जिस तरह से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उन पर इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, जिसी पर हम करेंगे चर्चा। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। नीरज दीक्षित जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा तारिक खान सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल नीरज जी आपसे, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है या नहीं करना है, क्या यह भी अब आपकी सरकार तय करेगी? तय तो उन लोगों ने करना है जो कि इतने सालों से जेपी आंदोलन में क्या क्या बातें हुई थी और उनमें से क्या क्या अमल किया उन लोगों ने, उन ये तय करने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज समझने की जरूरत है, जेपी आंदोलन किस चीज से बना था कि क्या? लेकिन एलडीए नीरज जी, लेकिन यहाँ पर सवाल, सबसे पहला सवाल ये है कि सार्वजनिक हितों की आप यहाँ पर बात करिए, यदि कोई पार्टी या कोई आम जनता भी, आम जन भी यदि कोई जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहे तो आप क्यों रोकेंगे उसे? देखिए, हम रोकेंगे नहीं, परंतु कई बार सुरक्षा कारण होते हैं जिसके कारण की सरकार कई बार और वहां का लोकल प्रशासन इन सब चीज, अब आप अचानक जाएं और बोले कि हम यहाँ पे माल्यार्पण करना चाहते हैं तो अगर वहां पर उन्होंने तो अनुमति मांगी थी, उसके पहले तैयारियां भी हो रही थी। और दूसरी बात ये कि यदि आपको सुरक्षा का खतरा था तो पुलिस फोर्स तैनात होती है, हर बार पुलिस फोर्स की निगरानी में आप कार्यक्रम करने की इजाजत दे सकते थे। देखिए, हम बिल्कुल दे सकते थे, परंतु लॉ एंड ऑर्डर भी होता है कि आप इतने समय के अंतराल में आप अगर लेकर के आएंगे कि हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कोई भी प्रशासन कैसे उस चीज की अनुमति देगा? कल को कोई चूक हो जाएगी तो फिर वो भी सरकार के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी कि सरकार क्या कर रही थी, क्यों वहां पे अगर तैयारियां पहले से उस लायक नहीं थी तो क्यों वहां पे प्रशासन ने अनुमति दी कि आप यहाँ पे प्रोग्राम कर लीजिए? तारिक खान जी नीरज जी का साफ कहना है कि भाई अनुमति दे देते और कल को कोई घटना हो जाती तो सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता, क्या कहना है इस पर आपका? है, मेरी आवाज आ रही है आपका? जी, ऐसा है मैम कि करोड़ों रुपए लगाकर, 800 कुछ करोड़ रुपए लगाकर इसको बनाया गया था और ये जनता के लिए बनाया गया था और जनता के पैसे से बनाया गया था, अब उसको इन्होंने बंद कर रखा। सवाल यह है कि अगर ये उसको खोल देते तो अंदर अखिलेश साहब जाते और मीडिया भी जाती, अगर नॉर्मल तरीके से माल्यार्पण हमेशा होता रहा है, गांधी प्रतिमा लखनऊ में जगह जगह लगी है उसका माल्यार्पण होता है, तो अगर चले जाते तो ये भी सवाल आप ही जैसे मीडिया लोग पूछते कि ये क्या है और क्यों इस तरीके से इसकी स्थिति क्यों ऐसी है? अगर कुछ समाजवादियों ने बना दिया या कांग्रेस ने बना दिया या और सरकारों ने बना दिया तो उसको बीजेपी बर्बाद कर देगी। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगा था। और ये जो अभी भाजपा बना रही है ये सब अपने गुर्दे और अपने एक एक किडनी बेच के बनवा रहे हैं, ये जनता का पैसा नहीं, अपनी अपनी किडनियां बेचकर बनवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। जनता से पैसे की बनी हुई चीज उसको जनता को आप बनवाइए, उसमें तमाम किस्म के ऑडिटोरियम है, उसमें इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल है, कितनी सुविधाएं हैं जो जनता को मिलेंगी, उसमें रेस्टोरेंट है, तमाम चीजें हैं, एक इतना बेहतरीन और इतना, क्योंकि उस जमाने में जो पैसा लगा था आज उसकी और कीमत हो गई, बंद कर रखा है उसको इसका। और दूसरी बात, लिखित में परमिशन मांगी गई थी कि जेपी सेंटर है, लोहिया पार्क बना हुआ है, वहां पर भी लोहिया की मूर्ति लगी हुई है, वहां पर भी जाकर जब उनकी पुण्यतिथि होती है, सिर्फ हम ही नहीं आप भी अगर लोहिया को थोड़ा बहुत सम्मान देते हैं आप भी जाइए उनके ऊपर माल्यार्पण करिए, कौन रोक रहा है?
नीरज जी, नीरज जी, टीन शेड से क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा था? क्या तारिक जी जो कह रहे हैं कि अगर अंदर सपा सुप्रीमो पहुंच जाते, मीडिया पहुंच जाती, तो क्या पोल खुल जाती? छह साल से आप निर्माण कार्य करा रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट की जब बात आती है तो आपके प्रोजेक्ट दो दो साल में कंप्लीट हो जाते हैं और छह साल से अभी आपका निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य उसके अंदर चल रहा है, इसी कारण से वहां पे हम लोगों ने परमिशन नहीं दी थी। क्या प्रशासन, वहां का लोकल प्रशासन है, वो चीजों को देख रहा है कि हमें क्या जरूरत है क्या नहीं है। कई बार जो चीजें बन रही होती हैं उसके बाद उसमें सोचा जाता है कि अगर इतना स्पेस हमारे पास बचा है तो और हम इस चीज का कार्य विस्तार कर सकते हैं। इस कारण से वहां पे कार्य विस्तार हो रहे हैं, चीजों के चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार ने बिल्कुल ठप कर रखा है वहां पे काम और चीजें बिल्कुल जैसी की तैसी पड़ी हुई है। वहां पे कार्य चल रहा है, वहां पे अगर मान लीजिए कि इतने कार्यकर्ता अंदर जाते और इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर परमिशन लेने आए थे, और अगर मान लीजिए कि ये लोग बोलते 300 कार्यकर्ता आएंगे और 500 कार्यकर्ता हो जाते हैं, वहां पे जगह सुरक्षा को खतरा हो जाता। ठीक है, नवीन जी के पास जाऊंगी। नवीन जी, पहला सवाल तो यहाँ पर ये कि छह साल से निर्माण कार्य चल रहा है, दूसरी बात नीरज जी कह रहे हैं यदि कल को कोई घटना हो जाती तो सरकार पर इसकी जिम्मेदारी होती, कहां तक आप इसे न्याय संगत मानते हैं? नवीन जी, आपसे अनुरोध करूंगी फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक करें आप। जी नवीन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक करिएगा। अपनी टेक्निकल टीम से भी मैं अनुरोध करूंगी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। तारिक जी, नीरज जी का साफ कहना है कि निर्माण कार्य चल रहा है, यही वजह है कि परमिशन नहीं दी गई थी। मैम देखिए, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर लेकर बैठा हुआ हूं, डेट भी बता देता हूं मैं, 14 दिसंबर 2022। ये कह रहा है कि काम में थोड़ा सा वर्क रह गया, उसको फिनिश करने की जरूरत है, 100 करोड़ रुपए की और आवश्यकता थी, जिसके लिए 6 साल से योगी गवर्नमेंट 6 साल से उस चीज को रोके हुए। मैम ये टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, क्यों क्यों? क्योंकि थोड़ा सा काम जब हमारी सरकार चली गई उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रह गया था, और जो पुराने लोगों ने काम किया था उनको के उनके भी पैसों को रोक दिया गया। क्या यही होता रहा है? क्या यही होता रहा है? क्या जब भाजपा की सरकार को टेकओवर किया जाता है किसी भी स्टेट में तो यही किया जाता है? पिछले बनाए नीरज जी, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। अभी 2022 के चुनाव के समय जब तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा था, तब जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते थे कि ये उनके समाजवाद के समय में किया गया काम है, तब तो आप बहुत मजाक उड़ाते नजर आते थे कि अब हर काम समाजवादी के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे में जब इस पार्क का काम रोका गया है तो क्यों काम रोका गया है? काम आप इस पर पूरा कर लेते और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आ जाते उस पर माला पहनाने के लिए। हमेशा ही हर अपने पूर्वजों का सम्मान करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों की तरह जब चुनाव आते हैं तब हमें अपने पूर्वजों की याद आती है और हम चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे कार्य विस्तार हो रहा है, यदि सम्मान था तो जयंती तक आपने काम इतना तो पूरा करा लेते कि कम से कम माला पहनाने लायक आप परिसर को बना देते। देखिए कोई जरूरी नहीं है ना कि यहीं पे जेपी जी की मूर्ति पे हमें जाना है, जेपी जी की मूर्ति और अन्य जगह थी, आप वहाँ पे यहाँ पे आप अपना प्रदर्शन करते, रोष प्रकट करते, परंतु बोलते कि हम यहाँ से अपने दूसरे जगह जा रहे हैं अपने पूर्वजों का सम्मान करने। लेकिन हम यहीं पे अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं की जान को जोखिम में डालेंगे? ये कौन सा न्याय है? क्या जेपी जी ऐसा आंदोलन बोल करके गए थे कि देश के अंदर चेंज ना होगा कि अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर? अगर ऐसी बात थी तो एलडीए ने परमिशन तो पहले दी थी ना, वो तैयारियां कर रहे थे। आपने एकदम से आज के दिन ताला लगाया है, कल तक सपा के सचिव वहां पर पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। देखिए एलडीए ने बिल्कुल परमिशन नहीं दी थी, उन्होंने ये बोला था कि अभी हमारा कार्य विस्तार चल रहा है, अगर उस दिन के हम अपने हिसाब से कार्य की योजना करेंगे, अगर उस पर हम निरीक्षण में अगर पास होंगे तो हम आपको अनुमति दे देंगे, परंतु जब वहां पे चीजें पास नहीं हुई तो एनडीए ने उस पर रोक लगा दी, ताला लगा दिया। एक बार मैं नवीन जी के पास जाना चाहूंगी। नवीन जी, नवीन जी, शायद टेक्निकल यहां पर दिक्कत है, माफ कीजिएगा जी। नवीन जी, जी नवीन जी, सवाल मेरा यहां पर यह था कि जिस तरह से नीरज जी यहां कह रहे हैं कि यदि कोई घटना हो जाती तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती, और जिस तरह से वहां पर टीन शेड लगाए गए, क्या ये न्याय संगत है?
प्रियंका जी, दो चीजें हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि सरकार को पता था कि 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती होती है, और समाजवादी पार्टी ही नहीं, अन्य लोग भी जो जयप्रकाश नारायण को पढ़ते हैं, उन्होंने समझा है, वो उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, उनकी जयंती पर माल्यार्पण करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर सरकार या चाहती या एलडीए चाहती तो वहां इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती थी, बैरिकेडिंग करके, और समाजवादी पार्टी या अन्य लोगों के लिए एक नोटिस कर देती, सर्कुलर जारी कर देती कि भाई आप अगर आते हैं तो 50-50 के ग्रुप में आइए, माल्यार्पण कीजिए, स्वागत है आपका। नहीं, लेकिन नीरज जी का तो यहाँ पर तर्क है कि और भी मूर्तियां हैं, जरूरत क्या है इसी परिसर में आकर माल्यार्पण करने की? नहीं देखिए, ऐसा होता है कि अब अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कोई कार्यक्रम करना है तो क्या जरूरी है कि इनको मथुरा के फरहे में जाने की जाऊं का ढंग हुआ, ये भी कहीं कर सकते हैं। ये चीज गलत है, ये दलील बहुत अच्छी नहीं है। और महापुरुष जहां तक होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने इस देश की आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान दिया है, और इस देश के अंदर जब उन्होंने आंदोलन किया था इमरजेंसी के दौरान, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आज की युवा जनरेशन को जाननी चाहिए। रामलीला ग्राउंड में जब वो 10,000 आदमियों को एकत्रित करके आए थे, तब राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन के लिए कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। आज जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, कैलिफोर्निया से उन्होंने एमए सोशियोलॉजी किया था, उनके ऊपर तमाम बच्चों ने शोध किया, तमाम लोग उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न विषयों के। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में हम उनको राजनीतिक पार्टियों के परिधि में बांध रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन के नायकों पर उनकी जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए भी क्या आप लोगों को आंदोलन की जरूरत पड़ेगी? देखिए, क्या पड़ेगी क्या नहीं, ये तो राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव के समय पे याद करती है, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी सदैव ही अपने पूर्वजों को पूछते आई है और हमेशा आगे भी हम अपने पूर्वजों को पूछते आएंगे। तारिक जी जवाब दीजिएगा, तारिक जी जवाब दीजिएगा, आरोप है आप पे, ताजा याद आ रहे हैं आपको जेपी नारायण जी? हाँ, जेपी नारायण जी ने अन्य सभी जितने पूर्वज है सभी इनको अब चुनाव के टाइम ही याद आ रहे हैं जी, ऐसा नहीं है कि केवल अभी जेपी जी याद आए हैं इनको। तारिक जी जवाब दीजिएगा, अब चुपे तो ये मैम, ऐसा है कि जब जेपी साहब ने उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी और आंदोलन छोड़ा तो इनके नेता भी वही साथ में खड़े थे, इनको शर्म आनी चाहिए। जो राजनीतिक विश्लेषक साहब है उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि इमरजेंसी के टाइम पर जब जेपी साहब आंदोलन छेड़े थे तब इनके नेता लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ये लोग कहां थे, ये लोग कह रहे थे यहां सही है। उस वक्त जेपी बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था उन्होंने, आज जेपी की जीरो इज्जत है। अच्छा, आप बता रहे हैं कहीं और मूर्ति हो जाती, आपने लिखित में दिया था सरकार ने कि कहां पर मूर्ति है वहां पर चले जाइए, नहीं दिया था, गलत। सरकार को जब समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम यहां माल्यार्पण करने जा रहे हैं तो लिखित में रिटर्न में दे देना चाहिए कि ये फलानी जगह। नीरज जी जवाब दीजिएगा, अगर वहां नहीं कराना चाहते थे तो एलडीए को वैकल्पिक व्यवस्था बतानी चाहिए थी या फिर पूरा कारण पहले बताना चाहिए था? बड़े शर्म की बात है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही पूछ रहे हैं कि और जेपी जी की मूर्तियां कहां पर हैं। इनको ये उनके अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से खुद पूछ रहे हैं कि अब और मूर्तियां कहां थी। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ऐसी जगह है जहां पे जेपी नारायण जी की मूर्तियां नहीं, अगर ऐसी जगह है तो एलडीए ने पहले इस बात को क्यों नहीं क्लियर किया कि कल आप 11 अक्टूबर के दिन जेपी एनआईसी के परिसर में कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, ये कार्यक्रम आप दूसरी जगह कर सकते हैं। तैयारियां वहां पर तमाम हो रही थी, तैयारियां तमाम, मंगलवार की दोपहर के बाद गेट पर ताला लगाया गया है। नीरज जी, एलडीए ने ये भी पहले क्लियर फुल परमिशन नहीं दी थी कि हम लोग आपकी यहाँ पे व्यवस्था भी करेंगे। एलडीए ने ये बोला था कि यहाँ पे कार्य विस्तार चल रहा है, कार्य विस्तार की योजना के हिसाब से अगर उस दिन चीजें ठीक रही तो आगे बढ़ाई जाएंगी, आपको अनुमति दी जाएगी। तारिक जी जवाब दीजिएगा, ये तो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी को इन्फॉर्म किया गया था। दो बातें ये अपनी ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहले ये कहते हैं कि जेपी को हम चुनाव के टाइम पे ही याद करते हैं एकदम से, और उसके बाद बता रहे हैं कि हम अपने पूर्वजों को भूल गए या जेपी हमारे पूर्वज हैं। तो जब जेपी हमारे चुनाव के टाइम याद आया बेटा, बीच में ठीक है
ठीक है, समय मेरे पास नहीं है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज जी बहुत धन्यवाद, तारिक जी बहुत धन्यवाद, और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार आज का ये घटनाक्रम देखने को मिला है JPNIC में, जिस तरह से सपा सुप्रीमो 8 फीट ऊंची दीवार कूदकर जेपी नारायण जी का माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे, और इससे उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूरे देश भर की राजनीति में एक बार फिर से ये भूचाल आ गया है कि आखिर जननायक महापुरुषों की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए सरकार क्या लोगों को, आम जनता को या फिर विपक्ष के नेता को रोक सकती है या नहीं। ये जो तीर अब छोड़ा गया है समाजवादी पार्टी के लिए, कितनी दूर तक जाएगा और चुनावी मैदान में इसका कितना फायदा किस पार्टी को मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।